नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विभावरी झा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री नारायण की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि वे व्यापारी हैं तो उन्हें हर समय कम से कम आज के दिन मास्क लगाकर रखने को बोलें। यात्रा लाभदायक रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। प्रयास करें, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। संचित कोष में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। वृषभ राशि, प्रेम संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास उत्पन्न हो सकती है और दूरियां भी बढ़ जाएंगी। आपका मन अशांत रहेगा लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें। बजट बिगड़ेगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। लेन देन में सावधानी रखें। अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करें। मिथुन राशि, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज के दिन किसी के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके मन को खुश कर देगा। नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। निवेश में सोच समझ कर हाथ डालें। आशंका कुशंका रहेगी। कर्क राशि, आज आप अपने व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जिसका उचित लाभ भी आपको मिलेगा। परिवार में किसी चीज को लेकर खुशी का माहौल रहेगा। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कार्य सिद्धि होगी। निवेश लाभदायक रहेगा। सिंह राशि, छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा लेकिन फिर भी मन निराश रहेगा। किसी चीज की चिंता रह सकती है जिस कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति निर्मित होगी। प्रेम प्रसंग में जोखिम ना ले। व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सोच समझ कर हाथ डालें। शत्रु पस्त होंगे। विवाद में ना पड़ें। कन्या राशि, शेयर मार्केट में निवेश किए हुए पैसे से लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र के लोग आज बाहर निकलने से बचें, अन्यथा कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। चोट और दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। लेन देन में जल्दबाजी न करें। फालतू के खर्च होंगे। विवाद को बढ़ावा ना दें। तुला राशि, घर में पत्नी और माँ का झगड़ा हो सकता है। आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। घर की बातों को बाहर कहने से बचें, नहीं तो आपके लिए उल्टा पड़ेगा। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्रिय रहेंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। बड़ा काम करने का मन बनेगा। झंझटों से दूर रहें। वृश्चिक राशि, जॉब में समस्या उत्पन्न होगी और आपके काम से बॉस खुश नहीं दिखाई देंगे। हालांकि आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी। दूर से ही बुरी खबर जरूर मिल सकती है। दौड़ धूप अधिक रहेगी। बेवजह तनाव भी रह सकता है। किसी व्यक्ति से कहां सुनी भी हो सकती है। फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। मेहनत अधिक और लाभ कम होगा। धनु राशि, कॉलेज के छात्रों को आज अपने साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप आश्वस्त नजर आएंगे। भाई बहन का भी भरपूर साथ मिलेगा। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। परीक्षा और साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। मकर राशि, इंजीनियरिंग, फैशन और मीडिया के छात्रों के लिए आज का दिन शुभ है और उनके लिए कुछ अच्छे जॉब ऑफर हो सकते हैं। इसीलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। व्यवसाय में ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ समय ना गवाएं।
पूजा और पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जल्दबाजी से हानि संभव है। थकान रहेगी। कुसंगति से बचें। कुंभ राशि फल। निजी नौकरी कर रहे लोगों को आज काम का बोझ कम होगा और उनका ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ व्यतीत होगा। योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों की सहायता भी कर पाएंगे और आय में वृद्धि भी होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। मीन राशि। आज जो काम आप सोचेंगे या करने के लिए अपने घर से निकलेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बाहर जाना व्यर्थ भी नहीं जाएगा। ऐसे में निराश ना होएं। पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। व्यापार और व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान को जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक। दुर्घटनाओं या मरम्मत को लेकर हुई बहस आपके तनाव का कारण बन सकती है। कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। गपशप और अफवाहों को नजरअंदाज करें। शुभ अंक आपका 52 और शुभ रंग होगा सिल्वर। मूलांक दो। आपके दुश्मन आपकी सफलता को देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहें। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक 22 और शुभ रंग होगा ग्रे। मूलांक तीन। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप कुछ सोच सकें और समस्याओं का हल कर सकें। अपने पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। शुभ अंक 12 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 4। आपके दादाजी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ योजनाएं हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में व्यवहार कुशल बने। रोमांस और किसी विशेष व्यक्ति के लिए खाली समय निकालें। शुभ अंक 2 और शुभ रंग होगा क्रीम। मूलांक 5। आज आप अन्य दिनों से अधिक व्यस्त रहेंगे। नए दोस्त बन सकते हैं और आप अपने प्रियजनों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक गतिविधियों के लिए अच्छा समय है। शुभ अंक 15, शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 6। दैनिक जीवन के शोर से बचें और प्रकृति का मजा लें। आप आंतरिक शांति की तलाश के लिए ध्यान करने के मूड में हैं। आपकी माँ या माँ के जैसी किसी स्त्री को आपकी देखभाल की आवश्यकता होगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग होगा गोल्डन। मूलांक 7। घरेलू चिंताओं में भाग लेने से जीवन के सभी पहलुओं में सुधार आएगा। आज आपको पैसों की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अपने मासिक बजट, आय के स्रोत और खर्चों की समीक्षा करेंगे। योजना बनाकर ही नया ऑफिस या व्यवसाय शुरू करें। शुभ अंक 27, शुभ रंग होगा वॉयलेट। मूलांक 8। आप नया आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं और नए सफर के लिए तैयार हैं। इसमें यात्रा और फोटोग्राफी शामिल हैं। आज आपको वैसा लगेगा जैसे पहली कोशिश में परफेक्ट सेल्फी लेने पर महसूस होता है। शुभ अंक 14, शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 9। आज आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। मनोदशा के बदलने के कारण किसी भी बात को गंभीरता से ना लें। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। अशुभ काल की बात करें तो राहु दोपहर 2:12 से दोपहर 3:15 तक, यमगण सुबह 5:55 से सुबह 7:35 तक, कुलिक सुबह 9:14 से सुबह 10:53 तक, दुमुहूर्त सुबह 10:20 से सुबह 11:13 तक, दोपहर 3:38 से शाम 4:31 तक, वर्ज्यम सुबह 8:51 से सुबह 10:28 तक रहेंगे। शुभ काल की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक रहेगा।
अमृतकाल शाम 6:31 से शाम 8:08 तक रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से सुबह 5:07 तक रहेगा। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह ना हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहां उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर हर साल अनगिनत लोग यहां आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं।
विट्ठल रुक्मिणी। यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपन्न मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयकारी अस्त्र भी थे, तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु पांच सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदगी गदा। कौमोदगी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदगी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदगी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वही कृष्ण उपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अथवा समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढ कर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरुण, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि, ऋतुवे, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धनवंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल, गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते, श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन
कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़े। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरे विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला पशुकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावक अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुषेश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाढ़ में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान। प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभू खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।